न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। यूपी चुनाव के लिए सपा कांग्रेस में गठबंधन तय, आज शाम होगा गठबंधन का औपचारिक ऐलान। राज बब्बर और नरेश उत्तम जारी करेंगे साझा बयान। समाजवादी पार्टी ने जारी किया अपना घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो में सीएम ने फिर किया संतुलित विकास का वादा, कार्यक्रम में नजर नहीं आए मुलायम और शिवपाल, मुफ्त बिजली के वादे से भी सीएम ने बनाई दूर। सपा के घोषणा पत्र पर मायावती का तीखा हमला, कहा अखिलेश ने सिर्फ पुराने कामों का किया गुणगान, घोषणा पत्र में कुछ खास नहीं, सपा सरकार में कानून व्यवस्था हुई बद से बदतर। उत्तराखंड कांग्रेस ने जारी की 63 उम्मीदवारों की सूची, की 4 हरिद्वार, ग्रामीण से चुनाव लड़ेंगे हरीश रावत, किशोर उपाध्याय को सहसपुर से टिकट, लिस्ट जारी होते ही नाराज कांग्रेसियों ने की बगावत। आंध्र प्रदेश में पटरी से उतरी जगदलपुर भुवनेश्वर एक्सप्रेस, रेल हादसे में 41 लोगों की मौत, तकरीबन 100 से ज्यादा लोग घायल। नमस्कार, 5 बजे की 5 बड़ी खबरें देख रहे हैं, मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त, पंत बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें उत्तराखंड कांग्रेस ने अपने 63 उम्मीदवारों की लिस्ट आज जारी कर दी है और लिस्ट जारी होते ही उत्तराखंड में हंगामा भी शुरू हो गया है। हालांकि ये सूची दिल्ली में जारी की गई लेकिन टिकट बंटवारे पर कांग्रेस कार्यालय में हंगामा लगातार देखा जा रहा है, कई नेताओं के टिकट न मिलने से कार्यकर्ता लगातार नाराज हैं। हालांकि अभी 7 सीटों का ऐलान होना कांग्रेस की तरफ से बाकी है लेकिन जो उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ है उसके बाद से बगावत लगातार कांग्रेस में देखी जा रही है। उत्तराखंड कांग्रेस में प्रत्याशियों की घोषणा होने के बाद से ही उत्तराखंड कांग्रेस में बगावत के सुर एक बार फिर से तेज हो गए हैं। लिस्ट जारी करने के बाद से ही लगातार हंगामा देखा जा रहा है। और देहरादून से हमारे संवाददाता विक्रम श्रीवास्तव इस खबर पर सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। विक्रम, लिस्ट जारी होने के बाद जिस तरीके से हम चर्चा भी लगातार कर रहे थे कि बगावती सुर अख्तियार किए हैं कांग्रेस के खुद नेताओं ने, अभी स्थिति सूबे में क्या है? क्योंकि 63 लोगों की लिस्ट कांग्रेस ने जारी कर दी है और जिन लोगों को टिकट मिला वो तो खुश हैं लेकिन जिन्हें नहीं मिला ये हंगामे की तस्वीरें हम टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। जरा सियासी हाल बताइए, उत्तराखंड का क्या कुछ चल रहा है इस वक्त? जी हाँ, देखिए कल तक भारतीय जनता पार्टी के विरोध को देखते हुए कांग्रेसी बहुत मजे ले रहे थे लेकिन जैसे ही 63 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करी कांग्रेस ने, उसके बाद जो विरोध था वो देखने को मिला। कांग्रेस भवन की स्थिति हम आपको दिखाते हैं कि कांग्रेस भवन का जो हाल है वो क्या हो गया है और क्या कांग्रेस भवन हुआ करती थी। यहाँ पर तस्वीरें साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं जहां पर सिर्फ सोनिया गांधी की तस्वीर बची हुई है, इसके बराबर में मुख्यमंत्री हरीश रावत की तस्वीर हुआ करती थी, उसके बराबर में किशोर उपाध्याय की तस्वीर हुआ करती थी लेकिन वो दोनों तस्वीरें जो है आज यहां पर फाड़ दी गई। और पूरे कांग्रेस भवन में अगर हाल बयां करें कि यहां पर लगातार जो पूरा का पूरा जो कांग्रेस भवन है वो कांग्रेसी नेताओं के पोस्टर से पटा रहता था लेकिन यहाँ की जो स्थिति है वो इस वक्त बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है कि यहाँ पे जरूर कुछ ना कुछ हुआ होगा। क्योंकि देखिए जैसे ही लिस्ट में नाम आया उसमें सहसपुर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय का नाम आया तो आरेंद्र शर्मा जो कांग्रेस के प्रदेश महासचिव हैं और पहले भी सहसपुर से चुनाव लड़ चुके हैं, हालांकि उस 2012 के चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा था, उनका टिकट जैसे ही कटा उनके समर्थक यहां पर पहुंच गए। और इसके साथ ही जिस तरह से कैंट सीट पर सूर्यकांत धस्माना का नाम आया उसके बाद जो स्थानीय नेता थे क्षेत्रीय नेता थे लगातार वो इस बात की मांग कर रहे थे कि बाहरी नेता उनको पसंद नहीं है और उसी का विरोध जो है उन्होंने जताया, यहाँ पर तोड़फोड़ की। और जिस तरह से देखिए तस्वीरें जो है वो बयां कर रही हैं कि किस तरह के जो हालात थे वो यहाँ पर थे। और पहली लिस्ट जारी हुई, हालांकि इस लिस्ट के अंदर मुख्यमंत्री हरीश रावत 2 जगह से चुनाव लड़ते हुए
दिखाए गए हैं वो हरिद्वार ग्रामीण से भी चुनाव लड़ रहे हैं और वो किच्छा से भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने परिवारवाद को बढ़ावा दिया है उसका कहीं ना कहीं असर कांग्रेस की इस लिस्ट में दिखाई गया, जिस तरह से लगातार ये देखा जा रहा था। और ये बातें भी सामने आ रही थी कि हरिद्वार ग्रामीण से मुख्यमंत्री की पुत्री अनुपमा रावत चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन लिस्ट से उनका नाम गायब था। तो कहीं ना कहीं जो लिस्ट जारी की है, क्योंकि देखिये 23 तारीख हो गई है और 27 तारीख तक नामांकन होने हैं, और पहली लिस्ट में जिस तरह का विरोध यहां पर राजधानी देहरादून में देखने को मिला उसको किस तरह से कांग्रेस लेती है, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है कांग्रेस प्रवक्ता प्रदीप भट्ट। प्रदीप भट्ट, किस तरह से देखते हैं जो आगाज हुआ है आपका, वो बहुत शर्मनाक है। देखिए, शर्मनाक वाली कोई बात नहीं है, हमने सभी जीता उम्मीदवारों को टिकट दिए हैं और ऐतिहासिक वोटों से सब चुनाव जीत के आएंगे। कांग्रेस की सरकार प्रदेश में बनने जा रही है और जहां तक तोड़फोड़ की बात है, वो कुछ असामाजिक तत्व जो है यहां घुस गए थे, उनको देखने वाली बात हो गई कि उसमें कहां कोई कौन सी पार्टी के थे या कैसे लोग थे। मुझे तो लगता है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता वो हो नहीं सकते, क्योंकि अगर कोई कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता होते तो अपने नेताओं को गाली नहीं कर सकते। अगर ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है तो टिकट के बाद से ये तस्वीर ठीक उसके बाद से तस्वीर क्यों सामने आई फिर? जी हाँ, देखिए बिल्कुल, सवाल दो तरह के हैं। सवाल एक तो सवाल है कि पलायन करके कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देहरादून पहुंचते हैं और उस सीट को चुनते हैं जहां पर मुस्लिम वोटरों की संख्या बहुत ज्यादा है, यानी कि कांग्रेस का जो मुस्लिम प्रेम है वो साफ तौर पर दर्शाता है। और जो पलायन की लगातार बातें होती थी वो पलायन भी यहाँ पर देखने को मिला है। हरीश रावत भी पलायन करते हुए आए हैं और अब किशोर उपाध्याय भी पलायन करके पहुंचे हैं। तो इन सवालों का जवाब कैसे देंगे आप? परिवारवाद की बात को लेकर के, पहले परिवारवाद की बात थी, लगातार ये बातें उठा रहे थे किशोर उपाध्याय, मुख्यमंत्री का विरोध कर रहे थे कि हम परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देंगे, अब ये पलायनवाद को जो बढ़ावा दिया है किशोर उपाध्याय ने, इसको कैसे निपटेंगे? देखिए, हमने तो परिवारवाद का खुला विरोध करा है और भारतीय जनता पार्टी का आप लिस्ट देखिए, उन्होंने जो है यशपाल आर्य जी हो, चाहे उनके पुत्र हो और तमाम, चाहे खंडूड़ी जी की बेटी हो, परिवारवाद तो भारतीय जनता पार्टी बढ़ावा दे रही है। कांग्रेस तो जो है इन सब चीजों से दूरी बना करके, कांग्रेस सिर्फ जीता उम्मीदवारों को, और किशोर उपाध्याय जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। पार्टी आलाकमान ने सहसपुर से उन्हें चुनाव लड़ाया है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं और जीतेंगे वो। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो वाकई कांग्रेस सफाई इस पर जरूर देगी, क्योंकि एक बार फिर से टिकट बंटवारे के बाद से बगावत कांग्रेस के अंदर ही साफ तौर पर देखी जा रही है। जिस तरीके से हमारे संवाददाता विक्रम श्रीवास्तव बता रहे थे, जो पोस्टर कांग्रेस कार्यालय में लगे हुए थे उनको फाड़ दिया गया, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने लगातार अपना विरोध जताया है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन का आज औपचारिक ऐलान शाम को हो सकता है। कल कांग्रेस की मीटिंग में कोई बात नहीं बन सकी थी और अब कहा यह जा रहा है कि आज शाम सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर गठबंधन का औपचारिक ऐलान कर सकते हैं। तो आज शाम को यह औपचारिक ऐलान हो सकता है। कहा यह जा रहा है कि सहमति या सीटों को लेकर बन गई है, क्योंकि यह खींचतान जो है वो लगातार सीटों को लेकर चल रही थी, वो कहीं ना कहीं अब खत्म होती हुई नजर आ रही है। बात बन चुकी है, औपचारिक ऐलान सिर्फ होना बाकी है। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में गठबंधन का आज ऐलान हो सकता है। सीटों को लेकर एक नया समीकरण भी अब पेश किया जा सकता है, यानी कि सीटों को लेकर जो सस्पेंस था, बात नहीं बन रही थी, वो कहा यह जा रहा है कि उस पर बात बन चुकी है, अब सिर्फ औपचारिक ऐलान होना इसका बाकी है। तो गठबंधन का औपचारिक ऐलान पर अब बाकी रह गया है। बड़ी खबर इस वक्त की गठबंधन को लेकर, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर ये इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। सीटों को लेकर खींचतान जो लगातार चल रही थी, अब कहा यह जा रहा है कि वो करीब करीब खत्म हो चुकी है। तो शनिवार को कांग्रेस की एक बैठक हुई थी, उस बैठक में बात नहीं बन पाई क्योंकि कांग्रेस ज्यादा सीटों की मांग कर रही थी, समाजवादी पार्टी इतनी सीटें देने के लिए कांग्रेस को तैयार नहीं थी। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि जो पेस था वो खत्म हो गया है, करीब करीब अब बातें इसमें तय हो गई है। सीटों को लेकर जो पेच फंसा था उस पर सहमति बन गई है और आज शाम को, यानी कि आज इसका औपचारिक ऐलान किया जा सकता है इस गठबंधन का। और सीधे लखनऊ से हमारे ब्यूरो चीफ अशोक मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। अशोक, क्या जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये कि सीटों को लेकर करीब करीब बात जो है वो बन चुकी है, औपचारिक ऐलान होना बाकी है,
क्या जो अब लगातार चर्चाएं चल रही थी सीटों को लेकर जो बात नहीं बन पा रही थी, क्या उस पर अब बात बन गई है? क्या ये माना जाए बहुत जल्द ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन होगा और इसका औपचारिक ऐलान भी हम कुछ ही देर बाद देख सकते हैं? जी शंकर, आपने बिल्कुल सही कहा, दोनों की बात हो गई है और ऐसा माना जा रहा है कि करीब 103 और 5 के बीच में सीटों का तय हो गया है और ये अभी राजबब्बर समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचने वाले हैं और नरेश उत्तम जो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो पहुंच गए हैं और दोनों मिल करके प्रेस वार्ता करके इस गठबंधन की घोषणा करेंगे। अशोक, क्या माना जाए कितनी देर बाद इसकी जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस आज बता रहे हैं इसमें गठबंधन का ऐलान हो जाएगा? शंकर, ये 5:30 बजे का टाइम है और जो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम जी हैं वो समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंच गए हैं और यहाँ पे राजबब्बर का इंतजार हो रहा है। जैसे ही राजबब्बर आते हैं 5:30 बजे का टाइम है और दोनों मिलकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस गठबंधन की घोषणा करेंगे और सीटों का भी तय करेंगे कि किसको कितनी सीटें दी जा रही है। जी शंकर। अशोक, अगर जो अनुमान लगाया जा रहा है कि अब तक जो बात सीटों को लेकर फंसी हुई थी, कांग्रेस ज्यादा सीटों पर अड़ी हुई थी, समाजवादी उसे कम सीटें देने के लिए तैयार थी, तो क्या कोई पुख्ता जानकारी, कोई इस तरीके की जानकारी मिल पा रही कि कांग्रेस को 100 से ज्यादा सीटें दी गई या उससे कम सीटें दी गई, कांग्रेस इतनी सीटों पर मान चुकी है? जी आपने बिल्कुल सही कहा, जो हमारी समाजवादी पार्टी और दोनों नेताओं से बात हुई है तो उनका ये कहना है कि 105 सीटों पे बात हो गई है और 105 सीटें समाजवादी पार्टी दे रही है और डिप्टी सीएम का भी पद दिया जा रहा है कांग्रेस को। चलिए, बहुत आपने अहम जानकारी अशोक मिश्रा हमको दी है, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो वाकई जो पेस था वो अब जिस तरीके से फंसा हुआ था उसको लेकर अब गठबंधन का औपचारिक ऐलान यानी कि 5:30 बजे किया जाएगा, क्योंकि सीटों को लेकर जो बात नहीं बन पा रही थी, कहा जा रहा कि 105 सीटें कांग्रेस को दी गई हैं, लेकिन जब साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसके बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिर इस गठबंधन में किसको कितनी सीटें मिली है और क्या कुछ शर्तें इसमें रखी गई। और समाजवादी पार्टी ने दोबारा यूपी में सरकार बनाने के इरादे को जाहिर करते हुए वादों की बौछार की है। सीएम अखिलेश यादव ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। अखिलेश यादव ने इस घोषणा पत्र को जारी करते हुए कहा कि हम नए संकल्प लेकर इस घोषणा पत्र को जारी कर रहे हैं। यूपी की सियासी बयार में कई तरह की धाराएं एक साथ बह रही हैं। सियासी पारा लगातार चढ़ रहा है, ऐसे में विरोधी ये तय कर पाने में भ्रम में पड़े हुए हैं कि किस धारा पर सवार हुआ जाए ताकि सत्ता सिंहासनों के दीदार मिल सके। ऐसे में समाजवादी पार्टी जो पीछे कुछ महीनों तक सारी राजनीति को कलह के स्वांग में उलझाए रखी थी अब लीड लेती नजर आ रही है। सपा ने सबसे पहले चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है और अब हम जनता के सामने नया मैनिफेस्टो लेकर के आ रहे हैं। हमारी प्रतिबद्धता लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और एक समाजवादी संतुलन विकास के प्रति है। मैनिफेस्टो में विकास और कल्याण का संतुलन रखना हमारी प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस घोषणा पत्र को जारी करते हुए संकल्प की बात कही। ये संकल्प क्या है, वो पहले के समाजवाद से कितने अलग है, ये अब कयास का मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर समाजवादी सरकार बनाना चाहते हैं। अखिलेश ने कहा, मैंने कहा था कि अगर 5 महीने की मेहनत कर ली जाए तो आपको 5 साल की सरकार मिलेगी, तो कहीं ये सियासी कलह ही तो वो मेहनत नहीं थी। बहरहाल अखिलेश ने पिछली बार से अलग कई तरह के वादे किए हैं। गरीबों को मुफ्त गेहूं और चावल मिलेगा, 108 एम्बुलेंस सेवा को और बेहतर बनाया जाएगा, गरीब महिलाओं को प्रेशर कुकर मिलेगा, असंगठित मजदूरों के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी, अब समाजवादी पेंशन सीधे गरीबों के खाते में आएगी, बुजुर्ग नागरिकों के लिए ओल्ड एज होम बनाए जाएंगे, महिलाओं को अब रोडवेज बस में आधा किराया देना होगा, जानवरों के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाएगी, अल्पसंख्यकों के कौशल विकास पर जोर दिया जाएगा, 1 करोड़ बेरोजगारों को 1,000 मासिक बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, गरीब बच्चे जो ग्रामीण स्कूलों में पढ़ने आ रहे हैं उन्हें 1 लीटर घी दिया जाएगा। ये वो वादे हैं जो पहले से काफी कम हैं और बिल्कुल अलग हैं। अब जरा याद करिए पिछली बार के वादे। पिछली बार अखिलेश यादव ने
18 फीसदी आरक्षण का वादा किया था मुसलमानों से, जो आज तक पूरा नहीं हुआ और इस बार आरक्षण को पूरी तरह से भुला दिया गया। गांवों में 24 घंटे बिजली देने का वादा है, ये वादा पहले भी किया गया था लेकिन गर्मियों में हकीकत सामने आ गई थी। मुझे खुशी है इस बात की और मैं ये कहता हूँ अपने पत्रकार साथियों के सामने भी और प्रदेश की जनता के सामने, जिस हिसाब से रजिस्ट्रेशन हुआ है, अगर उन्हीं लोगों ने वोट दे दिया तो समाजवादी लोग 300 सीटें जीत करके सरकार बना लेगी, क्योंकि 1,40,00,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, 1,40,00,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। इसलिए समाजवादी स्मार्टफोन योजना भी लेकर के आ रहे हैं सरकार और किसान और गरीब और नौजवान लोगों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए। इसमें अदालत के उस आदेश का खौफ भी नजर आता है जिसमें कोर्ट ने चुनावी वादे पूरे न होने पर अदालत में मुकदमा दायर करने की बात कही थी। अखिलेश ने इस घोषणा पत्र को जारी करते हुए कहा, अगर सबसे कम उम्र में मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला है तो नेताजी का आशीर्वाद मिला, लेकिन बड़ी बात तो ये है कि इस कार्यक्रम से मुलायम और शिवपाल दोनों ही नदारद रहे। हाँ, मुलायम की तस्वीर ही उनकी भरपाई करती नजर आई लेकिन शिवपाल की तो तस्वीर भी नहीं देखने को मिली। ऐसे में सवाल ये है कि अगर अखिलेश के वादे और इरादे सच हैं तो पिछले वादों का क्या हुआ? क्या अल्पसंख्यक और खास तौर से मुसलमान, क्या वो इस बार पिछली वादा फरामोशियों को भुला पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। और समाजवादी पार्टी के इस मैनिफेस्टो पर विरोधी दल लगातार हमलावर है, बीएसपी और बीजेपी का क्या कुछ कहना, ये आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आज सपा द्वारा जारी किए गए इनके चुनावी घोषणा पत्र में इन्होंने खासकर अपने वोटों के स्वार्थ में जो किस्म किस्म की प्रलोभन भरी चुनावी घोषणाएं आदि की हैं, तो उससे प्रदेश की जनता इनसे प्रभावित होने वाली नहीं है, बल्कि इससे पहले इनको यहाँ प्रदेश की जनता के जान माल व मजहब की तथा उनकी बहन बेटियों की भी पूरे तौर से हिफाजत करनी चाहिए थी, जिस पर वर्तमान सपा सरकार के मुखिया का शुरू से यहाँ चेहरा दाग ही रहा है तथा इस मामले में इनकी नीति व नियत भी हमेशा ही खराब रही है। पूरा घोषणा पत्र क्या क्या घोषणा किया है मैंने देखा नहीं है, लेकिन सबसे पहले मेरा सवाल है कि जो वादा उन्होंने 2012 के चुनाव में किया था उसमें से कौन से वादे उन्होंने अधूरे छोड़े, पहले उसका पन्ना पलट करके पढ़ लें। वह सवाल आज भी अखिलेश यादव जी आपके सामने खड़ा है, आपने नौजवानों को धोखा दिया, आपने किसानों को धोखा दिया, आपने माताओं बहनों के प्रति जो व्यवस्थाएं करने की बात कही थी वो नहीं किया, उत्तर प्रदेश में अराजकता पैदा की, कानून व्यवस्था ध्वस्त किया, तो इनके घोषणा पत्र का कोई प्रभाव जनता पर नहीं पड़ने वाला। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी रहेंगी। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। बिजली का, पानी का संकट, अस्पताल बदहाल, सड़कें बनी गौशाला, झूठे वादे, झूठे बोल, अब खुलेगी सबकी बोल। जनता बोल आंखें खोल, रोजाना दोपहर 3:30 बजे सिर्फ प्राइम न्यूज पर। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज, क्योंकि सच। एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, टिकट कटने से नाराज दिग्गज सपा नेता बेनी प्रसाद वर्मा के बेटे सपा छोड़ सकते हैं। राकेश वर्मा टिकट कटने के बाद कल बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, यह समाजवादी पार्टी के लिए एक झटका हो सकता है अगर ऐसा हुआ, क्योंकि यह दल बदल की राजनीति लगातार जारी है, नाराजगी लगातार है। टिकट न मिलने से राकेश वर्मा नाराज लगातार चल रहे थे, कल बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं राकेश वर्मा, ऐसी खबरें जो निकलकर सामने आ रही है। टिकट न मिलने का असर अब दिखने लगा है पार्टी के नेताओं पर भी, क्योंकि दल बदल की यह राजनीति लगातार देखी जा रही है चुनाव से पहले, क्योंकि जिन्हें टिकट मिला है वो तो खुश हैं लेकिन जिनका टिकट कटा है वो
बगावत पर अब उतर आए हैं, यानी कि अब वो दूसरी पार्टी का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि अपनी पार्टी को उन्होंने लगातार संघर्ष किया पार्टी के लिए, और अब जब टिकट की यह बारी आई उस वक्त उनको नजरअंदाज किया गया और दूसरी पार्टी का दामन थामने का सिलसिला भी नेताओं का बदस्तूर जारी है। अलग अलग जगहों से हमने ये तमाम चीजें भी आपको दिखाई, लेकिन जो खबर सामने निकल कर आ रही है, कल बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं राकेश वर्मा। फिलहाल जो खबर निकल कर सामने आ रही है, टिकट न मिलने का असर अब दिखने लगा है। जी हाँ, नाराज नेताओं का दल बदल का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है। बेनी प्रसाद के जो बेटे हैं वो अब बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, क्योंकि अब खबरें ये आ रही है कि नाराजगी इस बात को लेकर है कि टिकट नहीं दिया गया, इसी वजह से उनकी नाराजगी इतनी ज्यादा बढ़ रही है। और खबर जो निकलकर अब सामने आ रही है कि वो बीजेपी यानी कमल का दामन थाम सकते हैं। और लखनऊ से हमारे ब्यूरो चीफ अशोक मिश्रा हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। अशोक, क्या और ज्यादा जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि दल बदल की राजनीति हम लगातार देख रहे हैं टिकटों के बंटवारे से पहले और बाद में। जी शंकर, आपने बिल्कुल सही कहा, जो बेनी प्रसाद वर्मा जी के बेटे राकेश वर्मा जी हैं उनको बाराबंकी के एक रामनगर सीट से टिकट दिया गया था, और उस सीट पे जो अखिलेश यादव खेमे के गोप को टिकट दिया गया है, तो ऐसा माना जा रहा है कि उनका टिकट कटना तय है, लिहाजा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने का निर्णय लिया है और भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में आ गए हैं। जी शंकर, तो क्या अशोक भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद वो टिकट की क्या उम्मीद लगा रहे हैं? अशोक, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का वो दामन थामेंगे, क्या वो पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि उन्हें टिकट मिलेगा? जी, वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संपर्क में आ गए हैं और ऐसा माना जा रहा है कि कल उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी और टिकट की घोषणा भी हो जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी पहले भी कह चुकी हमारे लिए कोई अछूत नहीं है जी। और जो भी जिताऊ उम्मीदवार हैं उनको ये टिकट देने को तैयार हैं, लिहाजा उनको टिकट मिलने की संभावना ज्यादा है। टिकट अशोक कहाँ से दिया जा सकता है, कुछ अगर खबर कुछ जानकारी आपको मिल पाई हो तो? शंकर, ये बाराबंकी जिले में वो वहाँ पे जो राकेश वर्मा जी हैं वो पटेल जाति समुदाय से आते हैं और वो पटेल जाति का वोटर वोट बहुत है। वो तो दो तीन विधानसभा है जहाँ उनकी जाति ज्यादा है, वो दोनों तीनों सीटों में जहाँ से भी चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट दे देगी। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक मिश्रा आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो नाराजगी के चलते दल बदल की राजनीति लगातार जारी है, राकेश वर्मा लगातार नाराज हैं, बीजेपी का दामन वो थाम सकते हैं क्योंकि टिकट उन्हें नहीं मिला और भारतीय जनता पार्टी में टिकट मिलने की उम्मीद अब वो लगाए बैठे हैं। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी ने यूपी फतह की तैयारी पूरी कर ली है। इसी कड़ी में बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी है, जिसमें मोदी के कैबिनेट के ज्यादातर चेहरे दिखाई देंगे, लेकिन यूपी में युवा नेता के रूप में खासी पकड़ रखने वाले वरुण गांधी को बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। वहीं मार्गदर्शन मंडल का हवाला देकर दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को भी प्रचार से दूर रखने की रणनीति है। बीजेपी ने चुनाव प्रचार के लिए बनाई रणनीति, बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी। बीजेपी ने यूपी फतह करने की तैयारी पूरी कर ली है। बीजेपी अपनी सोची समझी रणनीति के तहत धीरे धीरे यूपी में अपनी चुनावी नैया को पार लगाने के लिए जनता के बीच जा रही है। इस कड़ी में बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी के स्टार प्रचारकों में मोदी शाह की जोड़ी का दबदबा देखने को मिलेगा। वहीं नितिन गडकरी, अरुण जेटली को स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जगह मिली है। उनके अलावा इस लिस्ट में स्मृति ईरानी, हेमा मालिनी, उमा भारती को भी स्टार प्रचारक की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं रामविलास पासवान भी अपनी चुनावी सभाओं से लोगों को बीजेपी को वोट देने के लिए प्रेरित करेंगे। बीजेपी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में वरुण गांधी का नाम ना होना कहीं ना कहीं हैरान करता है। बीजेपी के लोकसभा सांसद और युवा नेता के रूप में वरुण गांधी यूपी में अपनी एक खास छवि रखते हैं, लेकिन उन्हें बीजेपी की लिस्ट से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। वहीं स्टार प्रचारकों की लिस्ट में केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा भी नहीं है, जबकि सुषमा स्वराज अस्वस्थ होने के चलते यूपी में प्रचार की बागडोर नहीं संभालेंगी। तो वहीं लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी को
बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल में जगह दिए जाने के चलते उन्हें चुनावी मैदान से बाहर रहकर बीजेपी की रणनीति बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, चाहे वो केवल कागजों पर ही सीमित क्यों ना हो। फिलहाल बीजेपी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट से वरुण गांधी को बाहर किया जाना बीजेपी की एक पुरानी रणनीति का ही हिस्सा है। पहले भी बीजेपी वरुण की लोकप्रियता को नजरअंदाज कर उन्हें लाइमलाइट से दूर रख चुकी है। अब देखना होगा कि बीजेपी के स्टार प्रचारक किस तरीके से कमल को खिला और 5 बजे की 5 बड़ी खबरों में फिलहाल आज के लिए इतना ही। प्राइम न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार। ये है प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। युवा का मतलब क्या है? युवा अंदर से होता है, दिमाग से होता है। साइंस भी रोहित जी कहता है कि 38 साल की उम्र के बाद नया खून बनना बंद हो जाता है। आप तो बात ही मत करिए, आपके तो परिवार के अंदर युवा अपने पिताजी का तक सम्मान नहीं कर रहा। युवा कहाँ पर खड़े हैं, युवाओं की क्या स्थिति है? युवाओं का मर्डर हुआ है इंस्टीट्यूशन के अंदर। तो कैमिला के ऊपर इतना हाई हुआ है, केरला में 2 दिन पहले जिस छात्र का मर्डर हुआ है उसका नाम भी बताएं किसी को। जो देश के टुकड़े करेगा उसके साथ आप कतई नहीं जा सकते। बुजुर्गों ने एक मकरजाल बना